अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहादुल में आप सभी का आखिर मकतब। कैसे एक गरीब को इंसान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, मैं अंदाजा ही लगाया जा सकता है। ऐसा वाकिया जिसे सुनकर आप भी सुन हो जाएंगे। किसी गाने के बोल हमने इस तरह से सुने थे कि आपका तो ये पसीना खून से भी है कीमती और अपने खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। माशरे में अमीर गरीब की जो दरारें हैं कितनी साफ हैं और कितनी गहरी होती जा रही है। एक गरीब मजदूर जिसका नाम इकबाल तल्लूर रात को किसी वकील यानी कि सचिन शाहपुर के घर के सामने जहाँ खड़ी पड़ी हुई थी उस पर सो जाता है। बुढ़ा कॉलोनी कुरबुर गली अनगोल में ये वारदात पेश आई। रात को कोई घर के सामने खड़ी पर सोया हुआ देखकर उस वकील ने उस कुली मजदूर इकबाल तल्लूर को पीटना शुरू किया। इसी हाथापाई में इकबाल तल्लूर का सर जमीन से टकराया और वो बेहोश हो गया। फौरन इसे अस्पताल ले जाया गया। मामला संजीदा देखकर कुली इकबाल तल्लूर को लेकव्यू अस्पताल में शिफ्ट किया गया। मालूम हुआ कि मजदूर कुली इकबाल तल्लूर कोमा में चला गया। घर में कुली काम से गुजारा करने वाला इकबाल तल्लूर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने लगा। घर वालों ने फरियाद वकील सचिन शाहपुर के खिलाफ दर्ज की। पिछले 11 दिनों से अस्पताल का बिल 1.5 लाख के करीब पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर वकील ने भी अपना रसूख इस्तेमाल कर पुलिस गिरफ्त से वो भागता रहा, दूर रहा और इत्तला के मुताबिक आज भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। यहाँ तक कि अपने बार एसोसिएशन में भी इसके खिलाफ कोई मुकदमा लड़ने की बात कही जा रही है। सच्चाई अभी मालूम नहीं। कुली इकबाल तल्लूर की बहन और बीवी भी इंतहाई गरीब है और वो बर्तन मांझ कर अपना गुजारा करते हैं और इनके पास दवाइयों को खरीदने के लिए भी रुपये नहीं है। किसी तरह चंदा भीख मांग कर कुछ सियासी लीडरों के चौकट पर अपना दामन पसार कर रुपये जुटाए गए। अभी भी हालत नाजुक है। डॉक्टरों का कहना है कि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लिहाजा आज इलाज के लिए रुपये न होने पर एम्बुलेंस से घर ले जाया गया। झटपट कॉलोनी अनगोल में मिट्टी के घर में इकबाल तल्लूर का महज सांसें लेने वाला जिस्म रखा गया है। हासिल इत्तला के मुताबिक सचिन शाहपुरकर अपने आप को रसूख वाला वकील कहता रहता है। अब इस पर दफा 323, 307, 506, 109, 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। घर वालों का कहना है कि अब तक उस वकील पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिर क्या अब रसूख वाले लोग यूं ही किसी गरीब की जिंदगी से खेल कर निकल जाएंगे? क्या किसी गरीब कुली की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती, लिहाजा अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? इसमें दीगर कौन कौन शरीक है और कौन उस वकील के हिमायती हैं, इनकी भी तहकीक की मांग अब अवाम की जानिब से की जा रही है। आइए उनके घर के अपराधों की जबानी क्या है सुनते हैं। इत्तला के मुताबिक अब इंसाफ के लिए इकबाल तल्लूर के बेजान जिस्म को भी DC दफ्तर में ले जाकर एहतजाज करने का इनके घर वालों का इरादा होने की बात कही जा रही है। लेकिन क्या इन्हें इंसाफ मिल सकता है या यूं ही कोई रसूख वाला इसी तरह से किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहेगा, इस पर सवाल उठाए जाए। शमशादा टेली है। मैं अनगुल के रहने वाली हूँ, कुरबर गली के। और हमारे पड़ोसी उनका ये बड़ा हंसता हुआसा है। एक वकील है, वो वकील है तो एक आम आदमी को मारे सा है। सिर्फ क्या कहते तो उसके दरवाजे में बैठे सो, दरवाजे में नहीं रोड पर बैठे सो उन्हें मारे है। और ऐसा उसका अभी तक 11 दिन हुआ, उसका कोई भी ये नहीं कर रहा है। और दवेखन में सब भीख मांग के चंदा उठा के उसको आज डिस्चार्ज करके लेके जा रहे हैं हम, तो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे उसके ऊपर। और वकील है तो उसको कानून नहीं है क्या? वकील है तो कानून सबको एक ही है कि नहीं? तो इसको कहीं को अभी तक अरेस्ट नहीं करे। और इसका बिल कौन भरना और इसका खर्चा पानी कौन उठाना? वो बहुत गरीब है और उसका कोई भी नहीं, तो वो भांडे धो को खाती औरत और उसके पर कोई भी एक नहीं कर रही। और कहीं की जमात की मात नहीं। और ऐसो और भी थोड़े मस्जिद में से चंदा उठा को हमें लेके आए सो है। वडगों की मस्जिद और दासगप की परिशोड़ की मस्जिद वाले हमने चंदा उठा को सब मदद कर रहे हैं। तो अभी तक ये वकील को अरेस्ट की नहीं करे, हमने इसको जल्द से जल्द अरेस्ट करना। और ऐसा कोई भी
कहीं भी न रहने वो अरेस्ट करना। अभी पेशेंट की क्या हालत है? पेशेंट की कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। अभी भी लेके गए तो अभी भी उसका ये हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं। फिर भी हमें हमारे यहाँ से बिल भरने को नहीं होता, इसलिए हम ये डिस्चार्ज करके लेके जा रहे हैं। इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेते हैं? पुलिस हम भी एक्शन नहीं ले रहे, और हमें नहीं तो मोर्चा करने वाले डीसी ऑफिस को जाकर अनशन लेकर बैठने वाले। मैं रात को खाने ली हूँ, मेरा कुछ क्या भी नहीं है, घर गिरदार कुछ क्या नहीं है, रात के खाते हैं कुछ क्या नहीं। बोल रोम को ये औरत नहीं मजबूर है, उसका तो बहुत हालत है, कुछ भी नहीं है। वकील का नाम सचिन शापुरकर, सचिन शापुरकर। देखो हमारे भाई को मैं लाखों भाई तो उसी कौन भी आको हमना पूछने लगे नहीं, और हमना क्या कर को बोलने लगे नहीं। पुलिसा हमें जाकर उनको बोले के नहीं तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमें कर रही वो हमें कर रही कहते हैं। हमें जाकर भीख मांगने लगे हूँ मैं, ऐसा पल्लो पसा रही हूँ मैं लोगों के पास, मतलब भीख मांगने लगे हूँ। मेरे भाई का कौन भी क्या भी करने लगे नहीं, मेरे भाई कहने आता हूँ और जाकर मैं भीख मांगता हूँ तो मेरे भाई का कौन क्या करने लगे नहीं। 10 दिन वहाँ मुँह में खाना नहीं पानी नहीं, हमें ऐसा ही फिरने लगे तो हमना कौन दाद देने लगा नहीं। हमारे भाई को मार को सटे तब से हमें बाहर आए तो ये कौन भी इतने क्या करते हैं, एक्शन लेने लगे नहीं हमना उन्हों कौन भी। तो आपको मांग है कि कार्रवाई होना, कार्रवाई होना, गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, हमना पूछना जल्द से जल्द उसे उसकी वकील गेरी जाना। उन्हें वकील है तो उसे कानून नहीं है कि नहीं, उसे कानून आम आदमी को कानून है, वकील को कानून नहीं। और सर ये काम इकबाल वकील को मारे तो उसके ऊपर क्या एक्शन लेते थे, और इकबाल के ऊपर वकील मारे तो क्या एक्शन ले रहे, उसका जवाब हम ना दो। तो अब वकील को हम मारे तो उसका एक्शन क्या लेते थे वकील? हाँ तो उसे गरीब भाई बोल को उसको कानून नहीं है, है कि नहीं कानून? वकीलों का कानून है तो गरीबों का कानून नहीं है क्या? अभी 11 दिन हुए, अभी तक उसको अरेस्ट की नहीं करे, पुलिस हम भी क्या इंक्वायरी कर रहे? कहाँ कंप्लेंट करे? थर्डकवाड़ी पुलिस स्टेशन में करे, थर्डकवाड़ी पुलिस स्टेशन। हमने कुछ तो चाहिए नहीं, हमें गरीब लोग हैं, हमें तरस रहे तो हमना इन्हों क्या भी नहीं एक्शन देने लगे, कौन भी नहीं देने लगे हमना, ना हमारी गाँव की लोग हमना मदद करने लगे अनगोल के। सर देखो उन्हें अरेस्ट नहीं करे, जल्द से जल्द अरेस्ट करना, नहीं तो हम पूरे ले जाको पुलिस स्टेशन में अनशन लेको बैठते हैं। अगर से वो भी नहीं हुआ तो हम ये मोर्चा निकालने वाले, मोर्चा निकाल कर डीसी ऑफिस को जाने वाले। जल्द से जल्द हमना कल का 24 घंटे के अंदर उसे अरेस्ट करना, और हमना कि अरेस्ट करे कर को बोल को जवाब आना, नहीं तो हम ये अनशन लेने वाले और डीसी ऑफिस को जाने वाले, मोर्चा करने वाले। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भरोस इतवार NPET स्कूल ऑडिटोरियम में बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मौजूदा हालात के मद्देनजर किस तरह से तिजारत को फरोग दिया जाए और बेहतर नतीज के लिए किन मंसूबों के तहत कामयाबी की राहों को हमवार किया जाए, इस पर तफसील में तबादले ख्याल किया जाएगा जिसमें माहिरीन शिरकत फरमाएंगे। लिहाजा सुबह 10:30 से 1:30 तक बिजनेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया जिसमें तमाम ताजिरों से शिरकत की अपील की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अहले बेलगाम के लिए खुशखबरी, रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसका आप लोगों को इंट्रोडक्शन पहले भी हो चुका है, इसके ज़रिए से एक बिज़नेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जिसमें हमारी कोशिश है कि हम लोग जितने बेलगाम के ताजिर हैं उनसे मिलें, और उन लोगों के साथ में जो खिताब करने के लिए जो हजरात हमने बुलाए गए हैं, जैसे हमजा सर हैं हमारे साथ में और बेग सर हैं जो मुंबई से और बंगलुरु से तशरीफ़ लाए हैं, तो तिजारत से जुड़े हुए छोटे मोटे जो मसले हैं उनके ऊपर एक गहरी जो है उसके ऊपर एक तबादले ख्यालात होंगे,
और उस ज़रिए से आप लोगों के सामने भी तजारत से जुड़े हुए जो भी आपके मसले हैं उनसे उन मसलों पे रोशनी डाली जाएगी, उसमें सवाल और जवाब का भी इंतज़ाम किया गया है। सो मेरी गुजारिश है कि उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तशरीफ़ लाएँ। ये प्रोग्राम 23 अक्टूबर इतवार के रोज़ सुबह के 10:30 बजे NPET स्कूल के अहाते में इनेकाद किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। बेलगाम में इस तरह का प्रोग्राम जो बनाया हुआ है पहली मर्तबा बनाया हुआ है और ये भी सब लोगों के लिए फ्री है। इसमें मकसद ये है कि जो तिजारत करना चाहते हैं या जिनका तिजारत कारोबार अब चल रहा है उनके जो भी मुश्किलात होंगे उनको हल करने की या उनको डायरेक्शन देने की जो ज़रूरत है वो कोशिश है। और ये आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके इसका फ़ायदा उठाएं और इसको कामयाब बनाएं।